एक्सरसाइज 13.4 देख रहे हैं, आर शर्मा सॉल्यूशन, क्लास 11 चैप्टर 13। इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज है, हमको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और उसके बाद उन्हें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज इसमें ध्यान देने योग्य है कि मॉड्यूलस क्या होता है। कोई भी अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड्यूलस ऑफ z होता है इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा इस z का, जिसे हम थीटा कहते हैं, वो होगा टेन इनवर्स y बाय एक्स, या आप इसको a प्लस आई बी माने तो b बाय a। ये हमें करना है सबसे पहली चीज, और उसके बाद हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब हम एक एक करके इसको लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि किस क्वाड्रेंट में चीजें आ रही हैं। यानी अगर जैसे मैंने बताया मॉड z आपका ये हो गया r, और tan इनवर्स y बाय x थीटा हो गया, तो केस जो वन बनता है वो ये कहता है कि अगर इस z इक्वल टू x प्लस आई वाई में, इसमें यदि x ग्रेटर देन जीरो है और y ग्रेटर देन जीरो है, तो थीटा जो है वो अल्फा के बराबर होगा, अल्फा एक्यूट एंगल है। इसी तरीके से केस टू कहता है कि अगर x लेस देन जीरो है और y ग्रेटर देन जीरो है, तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा के बराबर, पाई माइनस अल्फा के बराबर। तो जो z बनेगा वो बनेगा r cos पाई माइनस अल्फा प्लस i sin पाई माइनस अल्फा, यानी कि आपको r को सीधा लिख देना है, r जो बनेगा इसमें, जो r बनेगा सिंपल r z जो बनेगा वो बनेगा r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। यहां बनेगा r, सीधा मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, माइनस cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। ऐसे तीसरे केस में जब x लेस देन जीरो हो और y लेस देन जीरो हो, इस केस में थीटा होगा माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर, मतलब जो z आप लिखेंगे वो बनाएंगे r माइनस cos अल्फा माइनस i sin अल्फा। इस तरीके से चौथा केस बनेगा, उसमें x अगर ग्रेटर देन जीरो है और y लेस देन जीरो है z इक्वल टू x प्लस आई वाई में, तो थीटा बनेगा माइनस अल्फा के बराबर, यानी जो फाइनल z आने वाला है वो बनेगा r कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने, ये फॉर्मूले बनेंगे, राइट। तो इसको हम लेके चलेंगे, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हेंस एक्सप्रेस ईच ऑफ देम इन पोलर फॉर्म। तो पहला जो इसमें दिया है वो है आपका जेड इक्वल टू वन प्लस आई, z इक्वल टू वन प्लस आई है, तो इसमें पहले मॉड z निकाल लेते हैं। मॉड z इसका होगा अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट टू। अब जो थीटा है वो कैसे निकालेंगे आप, टेन इनवर्स, अगर इसको y माने और इसको x माने तो y बाय एक्स, यानी कि टेन इनवर्स वन बाय वन, जो होता है आपका टेन इनवर्स वन, और ये कब होगा जब ये पाई बाय फोर इसकी वैल्यू आएगी। अब पाई बाय फोर आ गई आपकी, ये थीटा की वैल्यू, राइट। अब आप देखें कि जो पोलार फॉर्म होगा वन प्लस आई का वो कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला जो बताया था उस हिसाब से बनेगा। आप सीधा लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसके लिए आप सिंपल लिख देंगे जेड इक्वल टू, जो आपका पोलार फॉर्म बनेगा वो बनेगा रूट टू, रूट टू। क्यों, क्योंकि आपका आना है यहां पर जब x ग्रेटर देन जीरो हो और y ग्रेटर देन जीरो है, तो आपका z आना है क्या, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, z आएगा r ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस i sin अल्फा,
तो यहां पर रूट टू कॉस ये है पाई बाय फोर अल्फा, ये अल्फा है, कॉस पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय फोर, ये इसका उत्तर होगा। जो सेकंड है उसमें जो क्वेश्चन सेकंड है वो दिया हुआ है आपका रूट थ्री प्लस आई, जो जेड है वो है रूट थ्री प्लस आई, जेड इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई में सबसे पहले आप मॉड जेड निकालिए, मॉड जेड क्या होगा अंडर रूट रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि आपका टू के बराबर आएगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर ये थ्री प्लस वन हो गया, एंड अंडर रूट फोर ये आपका टू आ जाएगा, यानी आपका मॉड जेड आ गया, यानी कि आर आ गया, ये आर है मॉड जेड। अब आप देखिए कि अगर आप आपको जो अल्फा निकालना है वो अल्फा क्या होगा, किस तरीके से आता है, जो अल्फा हम एंगल निकालेंगे वो आएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, यानी कि वन बाय रूट थ्री, और टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री क्या होता है, ये होता है पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स क्या हुआ, ये हुआ थर्टी डिग्री, ये हुआ थर्टी डिग्री। अब आप देखिए इसमें एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, जेड इक्वल टू आर, आर क्या है, आर क्या है टू, और यहां पर आएगा कॉस, एंगल क्या है पाई बाय सिक्स प्लस ये अल्फा है कॉस अल्फा प्लस आई साइन पाई बाय सिक्स, ये आपका दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आइए, तीसरा जो सवाल है वो है आपका वन माइनस आई, वन माइनस आई जेड इक्वल टू वन माइनस आई, तो इसमें सबसे पहले मॉडुलस निकालेंगे, मॉड ऑफ जेड क्या होगा अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट टू, अंडर रूट टू आपका हो गया आर, यानी कि मॉड जेड। इसी तरीके से जब आर्ग्यूमेंट निकालने चलेंगे, यानी कि कहें कि अल्फा, तो ये होगा टेन इनवर्स क्या है माइनस वन बाय वन, लेकिन ये हमेशा मॉड में लेते हैं, ये हमेशा इसका, क्योंकि हमको जीरो से पाई बाय टू के बीच में निकालना है, ये टेन इनवर्स वन की बात करें आप तो इसका मतलब ये पाई बाय फोर हो गया, पाई बाय फोर हो गया। लेकिन अब आप देखें यहां पर x जो है x ग्रेटर देन जीरो है और y लेस देन जीरो है, x जब ग्रेटर देन जीरो होता है और y लेस देन जीरो होता है, तब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें थीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर हो जाता है, तो यहां पर आप लिखेंगे सीधा फॉर्मूला z इक्वल टू रूट टू, जो रूट टू आया है, फिर यहां पर सीधा फॉर्मूला लिखना है कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, यानी कॉस पाई बाय फोर माइनस आई साइन पाई बाय फोर, ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट जो है चौथा, इसमें आपका जो सवाल है वो है वन माइनस आई बाय वन प्लस आई, जेड आपको दिया है वन माइनस आई बाय वन प्लस आई, तो पहले हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज, यानी ऊपर नीचे वन माइनस आई, ऊपर नीचे वन माइनस आई और वन माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये वन माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आएगा आपका वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा आपके वन माइनस टू आई माइनस वन बाय वन प्लस वन, जो आपका बराबर होगा माइनस टू आई बाय टू, यानी माइनस आई आ गया। अब जब आप टेन इनवर्स निकालेंगे यानी कि अल्फा निकालेंगे, तो ये होगा टेन इनवर्स किसका, ये इसको आप लिख सकते हैं जीरो प्लस माइनस आई, यानी जीरो माइनस आई, तो एक्स इसमें हो गया ग्रेटर देन जीरो, वाई हो गया लेस देन जीरो, टेन इनवर्स यहां पर मॉड आता है, यहां पर आप देखिए माइनस वन बाय वन, ये होगा टेन इनवर्स वन, मॉड मतलब इसका आप पॉजिटिव साइन लेंगे, वन बाय वन यानी कि वन, ये आपका आ गया पाई बाय फोर, पाई बाय फोर आ गया पाई बाय, अच्छा इसमें एक चीज आ गई, नहीं पाई बाय फोर नहीं आएगा इसमें, क्यों, ये जीरो है, माइनस वन बाय जीरो, तो टेन इनवर्स ये इनफाइनाइट आ रहा है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, पाई बाय टू, टेन पाई बाय टू इनफाइनाइट होता है,
तो पाई बाई टू आ गया इसमें। अब आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई लेस देन जीरो, जिसमें आप क्या करेंगे, जेड इक्वल टू आर, आर क्या है आपका, आर इसका आर निकाल लीजिए आप, आर निकालेंगे तो अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर जो कि वन ही आएगा, तो यहां पर वन हो गया। फिर आप लिखेंगे कॉस अल्फा, ये अल्फा है, माइनस साइन अल्फा, ये इसका तरीका है। जो पांचवा है उसमें दिया है वन बाय वन प्लस आई, इसमें इसमें भी हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, वन बाय वन प्लस आई, ये जेड दिया हुआ है, तो जेड ये दिया हुआ है, तो पहले वन बाय वन प्लस आई, ऊपर नीचे वन माइनस आई और वन माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या बनता है, ये वन माइनस आई, ये वन माइनस आई तो ऊपर आ गया, नीचे बना वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो ये बना वन माइनस आई बाई टू, तो ये बेसिकली ये बना वन बाय टू माइनस आई बाई टू। तो अब इसका मॉड जेड निकालेंगे, मॉड जेड क्या होगा, इसका हाफ स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का होल स्क्वायर, जो कि आपका आएगा वन बाय रूट टू। अब इसमें देखिए एक्स है हाफ, वाई है माइनस हाफ, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई लेस देन जीरो है, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले आपको टेन इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स निकालेंगे, अल्फा निकाल रहे हैं, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस हाफ बाय हाफ, लेकिन ये आएगा मॉड के अंदर, तो ये बना टेन इनवर्स वन यानी पाई बाय फोर। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, सीधा आप फॉर्मूले में रखिए, पोलर फॉर्म इसका हुआ आर, आर कितना है वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू ब्रैकेट में कॉस पाई बाय फोर माइनस आई साइन पाई बाय फोर, इस तरीके से बनेगा। जो अगला क्वेश्चन है उसमें है वन प्लस टू आई बाय वन माइनस थ्री आई, तो इसमें ऊपर नीचे वन प्लस टू आई बाय वन माइनस थ्री आई है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए वन प्लस थ्री आई कॉन्जुगेट से, नीचे इसके कॉन्जुगेट से वन प्लस थ्री आई बाय वन प्लस थ्री आई। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल जो आएगा वो मैं लिखता हूं माइनस हाफ प्लस हाफ बाय हाफ आई। तो अब इसमें देखिए जो मॉड जेड निकालना हो आपको तो आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, सीधा ये वन बाय रूट टू आ जाएगा ये। अब आपको निकालना है अल्फा, अल्फा कितना आएगा टेन इनवर्स मॉड लीजिए और ये होगा हाफ बाय माइनस हाफ यानी टेन इनवर्स वन, क्योंकि ये हमने मॉड लिया हुआ है, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये हो गया पाई बाय फोर। अब इसमें एक्स जो है इस वाले में एक्स जो है वो लेस देन जीरो है और वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। एक्स जब लेस देन जीरो होता है और वाई जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो थीटा जो होता है पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डायरेक्ट जो जेड बनेगा वो बनेगा आर माइनस कॉस अल्फा, अल्फा सीधा आपको ये ले लेना है माइनस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तो जेड बनेगा आपका आर कितना है वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, या माइनस कॉस अल्फा करिए माइनस कॉस पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय फोर, ये इसका उत्तर हो गया। चाहे तो आप इसको अंदर ले जा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर, तो पाई माइनस पाई बाय फोर थ्री पाई बाय फोर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी आप थ्री पाई बाय फोर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म एक ही जैसे आ जाएंगे। अगर इसका दूसरा उत्तर बताऊं तो वन बाय रूट टू, यहां पर आप इसको ले जाएं पाई माइनस पाई बाय फोर, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं पाई, क्योंकि कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर, कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर ऑल स्कूल टू कॉलेज, अगर कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर करते हैं तो नेगेटिव आता है और साइन पाई माइनस पाई बाय फोर करते हैं तो प्लस आता है। तो इसकी जगह आप कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाय फोर, जो कि होगा वन बाय रूट टू कॉस
माइनस अंदर ले गए, कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों सेम, दोनों आंसर सेम है, एक ही बात ये कह रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो है उसमें है ये आपका है सेवेंथ। अब इसमें देखिए z आपको दिया हुआ है साइन 120 डिग्री माइनस आई कॉस 120 डिग्री, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 120 डिग्री क्या है? ये है 30 प्लस 90, यानी आप इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 माइनस आई कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन पाई बाय 6, ठीक। अब कॉस पाई बाय 2 प्लस जो थीटा होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ध्यान रखिए साइन 90 प्लस थीटा, अगेन ऑल स्कूल टू कॉलेज, साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन में आएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा नेगेटिव में आएगा, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस आई साइन पाई बाय 6। अब आप देखें ये जो है ऑलरेडी आपके, ये ऑलरेडी आपके पोलार फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि अगर मॉड जेड निकालने की आप कोशिश करते हैं तो आपका आएगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका वन ही आएगा, तो ये ऑलरेडी वन यहां पर है ऐसे करके, तो ये ऑलरेडी आपके पोलार फॉर्म में ही है। नेक्स्ट जो सवाल है एट्थ, इसमें है माइनस 16 बाय 1 प्लस आई रूट 3, तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, माइनस 16 बाय आई प्लस 1 प्लस आई रूट 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आई रूट 3 से। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई हम कई बार कर चुके हैं, तो आप माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आई आएगा इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आप z निकालना चाहें तो माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे इसको, तो मॉड z आएगा आपका अंडर रूट जो गया 16 प्लस 48 अंडर रूट 64 यानी कि 8 आ गया। अब आपको निकालना है अल्फा, अल्फा होगा टेन इनवर्स, मॉड लेंगे 4 रूट 3 बाय रूट 3, वो 4 रूट 3 बाय 4 माइनस 4, तो ये कितना आया टेन इनवर्स, ये इससे कटा, माइनस माइनस हटा दीजिए, क्या रूट 3 लिखिए मॉड लिखे, तो टेन इनवर्स रूट 3 ये क्या बनता है, ये आपका हो गया टेन पाई बाय 3 होता है, यानी कि पाई बाय 3 60 डिग्री पाई बाय 3 आ गया, राइट। अब इसमें इस वाले में देखिए, ये वाले में x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मैंने आपको बताया था कि जब x लेस देन 0 होता है और y, x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, z इक्वल टू r माइनस कॉस अल्फा, ये अल्फा आ चुका है, प्लस आई साइन अल्फा, तो ये बनेगा r, आपका r कितना आ गया 8 माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन साइन जो है वो पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई बाय 3, ये प्लस पाई बाय 3 होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 8, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3, ये इसका उत्तर होगा। अब इसमें एक और पार्ट है, एक और पार्ट है जिसमें हमको एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलार फॉर्म में, तो वो हम करेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।